हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास का द लास्ट लेसन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट वर्ड्स, व्हाट वर्ड्स मतलब होता है कौन से शब्द। डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब। जो एमएल जो टीचर थे ना, वो क्या करते हैं, राइट मतलब लिखते हैं। अब कहाँ लिखते हैं, तो लिखा ऑन मतलब पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कौन से शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। और बिफोर मतलब होता है पहले, और किसके पहले लिखते हैं, डिसमिसिंग मतलब होता है बर्खास्त करने के पहले। क्या, द लास्ट क्लास को बर्खास्त करने के पहले उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर कौन से शब्द लिखे थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट मतलब क्या, डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब, दे मतलब होता है बे, ये प्रोनाउंस है किसका, वर्ड्स का, और मीन मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। जो शब्द उन्होंने बोर्ड पर लिखे थे उनका क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन हमसे सेकंड पूछ रहा है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है जो एमएल जो टीचर थे वो क्या करते हैं, रॉट मतलब लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, उसका नाम लिखा है द वर्ड्स मतलब शब्दों को लिखते हैं। उन शब्दों का नाम लिखा है जो शब्द उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे थे। तो कौन से शब्द लिखे थे, बिबे ला फ्रांस शब्द उन्होंने बोर्ड पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था, बिबे ला फ्रांस शब्द उन्होंने बोर्ड पर लिखा था। और तरीका बताया जा रहा है ये शब्द कैसे लिखे थे, तो लिखा है इन अ बिग लेटर्स मतलब बड़े बड़े अक्षरों में इन शब्दों को लिखा था। और कहां लिखा था, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। कब लिखा था, बिफोर मतलब पहले, किसके पहले, डिसमिसिंग करने के पहले, किसको, द लास्ट क्लास को डिसमिस करने के पहले ये शब्द लिखे थे। ये पहले का आंसर हो गया है। चलिए अब सेकंड को समझ लेते हैं। सेकंड ने पूछा था उन शब्दों का क्या अर्थ है, तो लिखा है दीस वर्ड्स मतलब इन शब्दों का मीन्ट मतलब होता है तात्पर्य, अर्थ है, क्या अर्थ है, लॉन्ग लिव फ्रांस मतलब फ्रांस क्या रहे, अमर रहे, फ्रांस जीता रहे, इन शब्दों का ये अर्थ होता है।